लोग 11 तारीख को यहां पर कार्यक्रम करने वाले हैं, बट ये क्यों करने वाले हैं इस कार्यक्रम को, उसके पीछे जो बंगाल के अंदर जिस प्रकार से अभी हाल में चुनाव जो कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए और जिस प्रकार का वायलेंस देखा, उसके विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ऑन 3rd October डेमोक्रेसी वॉज रेप्ड इन बंगाल। ऑन 6th October स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी वॉज किल्ड। That was the day the resignation came and a new appointment came of State Election Commission. 9th of October, which is today, the democracy is being mocked. Is being mocked. इसको कि मैं हिंदी में रिपीट करता हूं, तो 3 अक्टूबर को दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र का बलात्कार हुआ। 6 अक्टूबर को जो लोकतंत्र की आत्मा है उसको मारा गया और 9 अक्टूबर जो आज है वो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है। भूख होती है तो सत्ता पाने के लिए लोकतंत्र की कहीं हत्या भी करनी पड़े तो वो किस प्रकार से की जाती है। इट्स अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ द ग्रीड फॉर पावर कैन मेक द गवर्नमेंट फॉल टू अनहोली अनएथिकल अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस विच वी सॉ ऑन 3rd October इन वेस्ट बंगाल। उसके बाद जिस प्रकार से हमने एक इस्तीफा देखा मिस्टर उपाध्याय का, भारतीय जनता पार्टी ने एक दबाव डाला जो एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक राइट होता है धरने पे बैठ के, लेड बाय द पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल सिन्हा, और उस दबाव के अंदर समवेयर द कॉन्शियस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो कहीं ना कहीं जागा होगा और उन्होंने एक निर्णय लिया जिसके लिए उन्होंने कहा कि हम मोर देन 100 वीडियोज, मोर देन 4000 आवर्स का जो वीडियो फुटेज है उसको हम देखेंगे और देख के हम निर्णय करेंगे। देखो जो काउंटिंग है वो डेफर कर दी उन्होंने, लेकिन फिर कुछ लोग जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, दे सैट ऑन अ धरना एंड प्रेशराइज एंड फोर्स द देन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द ऑनरेबल गवर्नर। हम आपसे आग्रह करते हैं कि ये वायलेंस मत करिए, बंगाल जाते हैं, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, वी रिगार्ड देम, वी रिस्पेक्ट देम फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मगर हमारा दायित्व तो बन जाता है इन डेमोक्रेसी, इट इज वी आर ड्यूटी बाउंड टू लेट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया with all the video footages, all the paper cuttings, all the photographs to submit to the lawbreakers of TMC, Arjun Singh, Sujit Bose and Paresh Pal. Their role will be highlighted and let the election commission know when the elections are held in 2016, what mischief these lawbreakers can make in West Bengal.
टीएमसी फॉलोज दैट प्रिंसिपल।